नमस्कार, मैं हूं गुलविश। हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। अपनी सोच को सही रखना बहुत जरूरी है, या यूं कहा जाए कि सही सोच सफल जीवन की कुंजी है। तो कैसे सोच को सही रखें? सही वक्त पर सही काम करके। और इसमें आपको मदद करेगा ज्योतिष, जो बताएगा कि आपकी कुंडली इस समय क्या कहती है, आपकी राशि किस तरफ इशारा कर रही है। जानने के लिए रुख करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं देव शंकर शास्त्री जी, जो एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो हम एक बार फिर से आज राशियों के हिसाब से जानेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन ये शुरू करने से पहले आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम हर हफ्ते कुछ अलग से कुछ जानकारी आपसे लेते हैं, तो आज मैं जानना चाहूंगी कि अगर अपने सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रांग रखना है तो क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल ठीक बात है, जो सूर्य और चंद्र ग्रहों का जो मालिक है वो सूर्य है, नौ ग्रहों का जो मालिक है वो सूर्य है, और सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर में मजबूत हो तो व्यक्ति का जीवन बड़ा कारगर होता है, बहुत ही कारगर रहता है। और अच्छे जीवन को व्याप्त करने के लिए सूर्य की मजबूती बहुत ज़रूरी है, और सूर्य नौ ग्रहों का मालिक है, इसलिए सूर्य की जो भी हो सकता है पावर ताकत दे करके रखना चाहिए। तो सूर्य को कैसे मनाए और सूर्य को कैसे प्राथमिकता बना करके काम करे, तो ज्योतिष में है इस चीज़ों का, जो सूर्य देव को कैसे मनाएं। तो सूर्य देव के सबसे प्रबल उपाय है, अगर कोई जातक जिसका सूर्य वीक हो या शत्रु राशि में बैठा हो या किसी भी प्रकार की कोई खराब दशा के साथ में मिला हो, तो ऐसे परिस्थिति में सूर्य देव को मनाने के लिए सबसे उत्तम चीज़ है जो अपने पिता की सेवा करें। पिता सूर्य का समान होता है और पिता ही बहुत कारगर होता है व्यक्ति के जीवन में उनके आशीर्वाद से, और उनकी जो भी आदान प्रदान करने से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने पिता की सेवा करें और उनके आज्ञा अनुसार काम करें, तो उसमें सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं। और कोई शत्रु राशि या सूर्य कमजोर भी है तो ऐसे परिस्थिति में जातक को बहुत लाभ मिलता है सूर्य की दशा के अंदर में जी। और चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो चंद्रमा मन का मालिक है, ज्योतिष में कहा गया है चंद्रमा मन का मालिक है। मन बड़ा विचलित होता है, कोई व्यापार से जुड़ा है, कोई किसी काम से जुड़े हुए हैं, कोई नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो काम करने में जो उनकी क्षमता होती है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में चंद्रमा को कैसे मजबूत करें, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मैं उस जातक को कहना चाहूँगा, घर के अंदर में ही सूर्य के लिए और चंद्रमा के लिए, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता की चरण स्पर्श करिए, उनको प्रणाम करिए, चंद्रमा बहुत ही मजबूत आपका हो जाएगा। माता का प्रणाम करने से, उनको चरण स्पर्श करने से चंद्रमा मजबूत होगा, और चंद्रमा मजबूत होगा तो जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं उसमें बहुत अच्छा व्यक्ति को जातक को बना रहेगा। बिल्कुल। तो हम और भी उपायों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम राशिवार तरीके से शुरू करते हैं सिलसिला, अगला हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले आचार्य जी, मेष राशि, इनके लिए आने वाला हफ्ता आप कैसा देख रहे हैं? जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा मेष राशि वालों के लिए 4 मार्च से 10 मार्च तक का मंगल शनि योग हो रहा है, इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, आर्थिक संबंधित समस्याएं हो सकती है, आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक संबंध फिर भी अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, फिर भी अगर आप इस सप्ताह को मजबूत करना चाहते हो तो हनुमान जी की पूजा पाठ करने से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अगर मध्यम समय भी हो तो भी आप उपाय करके उसको बेहतर कर सकते हैं, उपाय हम आपको बताते ही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, वृषभ राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता क्या संदेश लेकर आया है? वृषभ राशि के लिए, जातकों के लिए अच्छा समय बना हुआ है, क्योंकि शुक्र और शनि एक साथ कुंभ राशि में आने से
कुंभ राशि में इसका प्रभाव बना हुआ है आने से, तो आमदनी की साधन बढ़ोतरी होगी, आमदनी में जो है सो बढ़ोतरी होगी, नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा और कोई एक नया काम बनने का संभावना बन रहा है। विशेष तौर पे अपना संभल करके अपना काम करें। और वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा समय बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये सप्ताह अपने क्रोध पे काबू रखें जिससे कि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। फिर भी और भी इस सप्ताह में वृषभ राशि वाले अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो सूर्य देव को जल अर्पित करें, जल चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो आपके लिए समय अच्छा है और लाभ भी आपको मिल सकता है, तरीका हमने बता दिया है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मिथुन राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मिथुन राशि वालों के लिए हफ्ता मध्यम है, आपको सावधानी बरतनी है। मंगल और शनि युक्त होने से स्वास्थ्य में सावधानी बरतें, चिंता बढ़ सकती है, आँखों में परेशानी हो सकती है, सिर में दर्द बढ़ने की आशंका है, संभावनाएं हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है ये सप्ताह। और फिर भी इस सप्ताह अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए मजबूत करने के लिए तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं या जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, समय आपके लिए मध्यम है, लेकिन आपको तरीका भी हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? कर्क राशि वालों के लिए 4 मार्च से 10 मार्च तक का मंगल गुरु शुक्र, ये चारों ग्रहों का जो योग बना है, बनने से व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलेगी आपको। व्यापार के लिए अच्छा है, नौकरी में तरक्की है और परिवार में जो भी कोई उलझने हैं तो वो भी समाप्त होगी, धन लाभ होगा। और सबसे बढ़िया ये समय आपको मिला है प्रेम संबंध में भी, आपके लिए बहुत अच्छा कर्क राशि वाले के लिए है। अगर ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप दान करते हैं किसी चीज़ को तो आपके लिए खाने पीने की वस्तु, सफ़ेद वस्तु अगर दान करें तो खाने पीने की वस्तु दान करने से कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आपको दान करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, अगला नंबर है सिंह राशि वालों का, तो उनके क्या इस हफ्ते काम बन पाएंगे? जी, सिंह राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, सबसे पहले सिंह राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा, ये हफ्ता थोड़ा मध्यम है, सावधानी बरतें। आपको वाहन संभाल करके चलाना पड़ेगा कि वाहन चलाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी ख़राब है, आँखों में कष्ट हो सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, दर्द की परेशानी हो सकती है, पिता से हो सकता है मतभेद होने की संभावना है। व्यापार और नौकरी में ध्यानपूर्वक काम करें जिससे कि ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे। आपके लिए अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो भगवान शिव की अगर पूजा पाठ आप करते हैं तो शिव की पूजा पाठ करने से सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है इस हफ्ते। आगे बढ़ेंगे कन्या राशि, उनके लिए क्या संदेश लाए हैं आप आचार्य जी? जी, कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो कन्या राशि वालों के लिए पत्नी और संतान के तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा, व्यापार में सुधार मिलेगा, लेकिन मन अशांत रहेगा। इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी आप ये सप्ताह अगर कोई उपाय करते हैं तो और भी मजबूत रहेगा। तो गाय की सेवा करने से, गौ सेवा करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो सेवा करना तो बहुत अच्छा ही है और इस समय, इस हफ्ते आपके लिए अच्छा भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, तुला राशि के जातक, क्या कहता है ये हफ्ता उनके लिए? जी, तुला राशि वालों के लिए, जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता, शुरू से ही ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। सूर्य शुक्र शनि को योग बनने से, सूर्य शनि का योग बनने का द्वार आपका जो है खुला हुआ है और परिवार में भी बड़ा सुखद रहेगा और प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे तुला राशि वाले के लिए। फिर भी ये सप्ताह और भी अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्र बीज मंत्रों का 108 बार जाप करने से आपके लिए लाभ रहेगा। बिल्कुल, तो आपके लिए लाभ रहेगा और उपाय भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। वृश्चिक राशि, अगला नंबर उनका है, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
जी जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नए काम की योजनाएं बन सकती है, मान सम्मान मिलेगा, बढ़के मिलेगा, पराक्रम और उत्साह में बढ़ोतरी, उच्च प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क में आएंगे, आपके लिए सप्ताह बहुत ही लाभकारी है। और उपाय इनके लिए क्या होगा? ओम नमः शिवाय मंत्रों का अगर जाप करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह और अच्छा रहेगा। चलिए, आपके लिए सप्ताह अच्छा है और तरीका आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे धनु राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह क्या पैगाम लेकर आए हैं? जी जी जी, धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया है, अच्छा रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, परिवार में सुखद समाचार मिलेगा, आप बहुत दिनों से चिंता से थे वो चिंता आपके मुक्त होंगे और पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो ये सप्ताह भी आपके लिए बहुत अच्छा, अपने से जो बड़े हैं आपके परिवार के अंदर में, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मजबूत रहेगा ये सप्ताह। यहाँ पर आपने कई बार आचार्य जी जिक्र किया है कि अपनों की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, तो मैं जानना चाहूंगी सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है और उससे कितना अच्छा रहता है हमारी लाइफ में। जी 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 जी, सेवा करना, देखिए अगर कोई बड़ों की सेवा करते हैं तो उनका एक आशीर्वाद गुलबिस जी, एक कवच के तौर पर उनको प्राप्त होता है। जिनके द्वारा कोई ग्रह अगर वीक हो या कमजोर हो तो वो ग्रह मजबूत होता है, और मजबूत होता है तो उनके जीवन में आगे तरक्की होना शुरू हो जाता है। इस चीजों पे अगर विशेष तौर पे अगर कोई ध्यान देता है बड़ा छोटा सा शब्द और छोटी प्रक्रिया है, अगर ये प्रक्रिया अगर कोई कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है बड़ों का सेवा करना। मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो सूर्य और चंद्रमा घर में ही है, अगर उनको मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने पिता की सेवा करिए, माता की सेवा करिए, तो जिससे कि आपका सूर्य और चंद्रमा मजबूत होगा। तो सेवा का ये तात्पर्य है, जो ग्रह अगर कमजोर रहता है तो मजबूत हो जाता है और उनके जीवन में एक अच्छी तरक्की रहती है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर है मकर राशि का, मकर राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह भागदौड़ ज़्यादा लगी रहेगी, आमदनी मध्यम रहेगी, नौकरी व्यापार में सावधानी बरतें, जो भी बोलें बड़ा संभल करके बोलें, बोलने पे और गुस्सा करने पे कंट्रोल करके रखें, नहीं तो थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। फिर भी अगर आप ये सप्ताह अगर अपने आप को अगर मजबूत करना आप चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल की दीपक अगर आप संध्या काल में जलाते हैं तो आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, तो अब दो राशियां बची हैं आचार्य जी, कुंभ और मीन, उनका रुख करेंगे। कुंभ राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता क्या कह रहा है? जी, कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा ये सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, धन का लाभ योग बन रहा है, नौकरी व्यापार में एक अच्छी सफलता मिलेगी, परिवार के सहयोग से कोई बड़े कार्य भी हो सकते हैं, उनको बनने की पूरा संभावना है, और पारिवारिक जो संबंध है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर रहेगा। फिर भी ये सप्ताह अगर आप कुंभ राशि वाले अगर कोई अच्छे काम करना चाहते हैं तो पीपल की पेड़ की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो शनि आपके स्वयं के घर में बैठा है, जिनके द्वारा आपको बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे लाभ मिलने के आसार हैं। और सबसे आखिर में नंबर आता है मीन राशि के जातकों का, सबसे आखिर में उनको आखिर तक उनको इंतजार करना पड़ता है हमेशा प्रोग्राम में, तो उनके लिए ये सप्ताह क्या कह रहा है? जी, मैं मीन राशि वाले के लिए कहना चाहूँगा, 2024 जैसे प्रारंभ हुआ है और हमारे स्टाफ में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा जो मीन राशि वालों के लिए ये साल 2024 जैसे प्रारंभ हुआ है तो ज्योतिष के बिंदु के हिसाब से बहुत सुंदर साल प्रारंभ हुआ है, ये सप्ताह आपके लिए सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर बनी रहेगी, नौकरी व्यवसाय में उन्नति बनी हुई है, सूर्य खुद के घर में इस महीने सूर्य मीन राशि पे आया है, सूर्य खुद के घर में आने से आपके काम धंधे में बड़ी अच्छी तरक्की रहेगी, बहुत उन्नति रहेगी, जितना मेहनत करेंगे बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी एक पद की प्राप्ति होगी आपको। फिर भी अगर आप सूर्य देव पे अगर कोई उपाय करना चाहते हैं मीन राशि वाले तो सूर्य देव पे जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत लाभ मिलेगा और बहुत सुंदर समय और बहुत सुंदर सप्ताह ही आपको मीन राशि वाले आपको मिला हुआ है।
बिल्कुल, सबसे आखिर तक इंतजार किया मीन राशि के जातकों ने, लेकिन बहुत अच्छा ये हफ्ता उनके लिए रहने वाला है। यहाँ पर आचार्य जी, हम अब फिर से हम बात कर रहे थे सूर्य और चंद्रमा, अगर आपको मजबूत करना है तो उसके कुछ उपाय भी बता दीजिए जो करने ही करने हैं सबको। जी बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा गुलवीर जी, जो सूर्य को मजबूत करने के लिए अपने पिता से कभी भी कोई मतभेद न करें, अपने पिता को सम्मान करें, जिससे कि आपका सूर्य मजबूत होगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने पिता को चरण स्पर्श करिए तो आपका सूर्य मजबूत होगा। और चंद्रमा को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो अपने माता का चरण स्पर्श करिए, चंद्रमा आपका मजबूत होगा, और जिससे आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आपका आत्मबल बहुत सुंदर रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो दोनों में आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, बहुत अच्छी उन्नति रहेगी, और अपने जीवन काल में बहुत अच्छे स्थान को, बहुत अच्छे मंजिल को आप प्राप्त करेंगे। फिर भी गुलवी जी, आपने कहा इनका उपाय क्या हो सकता है, तो सूर्य के लिए एक तो सबसे बहुत ही सरल है, जो अगर मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ करके अगर आप स्नान करते हैं और स्नान करके सूर्य को अगर आप जल देते हैं, तो नौ ग्रहों में से कोई ग्रह अगर आपका वीक है तो सूर्य को जल देने से वो ग्रह आपका सामान्य रहेगा, मजबूत रहेगा। और अगर कुछ दान करना चाहते हैं तो गुड़ का दान करिए, सूर्य आपका बहुत मजबूत रहेगा। बहुत छोटा उपाय है। और अगर चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कोई मीठा वस्तु, कोई मीठा चीज या कोई सफ़ेद चीज़ अगर आप दान करते हैं तो उससे चंद्रमा आपका मजबूत रहता है। और ऐसे करने से संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, जो सूर्य और चंद्रमा अगर मजबूत है जातक के कुंडली में, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उनके संघर्ष का जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा और एक अच्छी जिंदगी उनके लिए, एक अच्छा समय उनके लिए प्रारंभ होगा। गुलवी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद। चलिए हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे बताने के लिए कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।